हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मॉर्निंग के 11 बजा है और अभी कार निकालने है नहीं है कि इधर डॉन आ गया और बोलता है कि दादू हम भी कार चढ़ेंगे। तो जब भी कार निकालो ये हमेशा से तंग करता रहता है कि कार हम भी चढ़ेंगे। कहाँ जाएगा चढ़ के? आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं काम है, बाहर जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। तुम भी जाएगा? भूख लगेगा तो क्या करेगा? हमको नहीं भूख लगेगा। तुमको भूख नहीं लगेगा? कभी भूख नहीं लगता है। चलो जाओ। देखिए विनोद भी आ गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा एक वीडियो बनाना है। तो यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा है ना, एक बार आप लोग को दिखाते हैं। इधर देखिए, ये देखिए, यहाँ गांव में सरस्वती पूजा यहाँ पर होता है, तो यहाँ बच्चे जो है ना गाड़ियों को रोक रोक के चंदे ले रहे हैं। ये अक्सर गाँव में इस तरह का होता है, चंदे लिए जाते हैं। और क्या ही बोले, यहाँ ले रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकते हैं, बच्चों का शौक है। और जा रहे हैं बाबू, अभी उधर जा रहे हैं, तुम मत जाओ ठीक है। उधर से लौट के आएंगे ना तब थोड़ा सा चढ़ाएंगे। हाँ, और कहाँ गया आ रहा हूँ, उसके साथ खेलो हैं, ठीक है ना? क्या चीज देख रहा है? टोल वाला है। हाँ, और ये दरवाजा खुली रहती है तो आवाज करते रहता है। और विनोद भी आ गया है, थोड़ा सा कैमरा उमरा पकड़ने का जरूरत पड़ेगा इसके लिए। क्या कर रहा था घर में? थोड़ा सरस्वती पूजा का तैयारी चल रहा था। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ भी वही चल रहा है क्या? अपने पड़ोसी भाई लोग बोला कि भैया कुछ दिशा निर्देश दीजिए। तो उन लोग को थोड़ा बता दे रहे थे इस टाइप से ये करने से साधारण और ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, सब में बेकार का खर्च हो जाता है बहुत ज्यादा। उलल झुलल जैसे ताम झाम करना अच्छा नहीं लगता है, श्रद्धा हो भक्ति हो यही अच्छा है लगता है। चलिए तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ आ गए हैं और एक भाई की कार की ओनरशिप रिव्यू करनी थी। वो बोला था कि वहीं पर आके रहिए और मैं जस्ट 10 मिनट में आता हूं। तो वो अभी कॉल किया हुआ है कि उसको किसी तरह की अर्जेंट पड़ गई है, अपनी माँ को लेकर के गोला जा रहा है, मतलब यहां से 15 से 20 किलोमीटर। तो वहां से लौट के आएगा, तब तक डिले है, तो बैठे बैठे क्या करेंगे। ये देखिए हमारी कार यहाँ लगी हुई है और ये हमारे गाँव की इंटरमीडिएट कॉलेज की बाउंड्री है। इधर में बैठे हुए विनोद भी बैठा हुआ है, तो उसको आने में आधा घंटा पौन घंटा लगेगा, तब तक हम लोग कुछ दूसरा कर लेते हैं। अभी उधर में जाएंगे तो दिखाएंगे, यहाँ भाई एक बागवानी किए हुए हैं तो वहाँ सब्जियाँ भी लगी हुई हैं और आसपास इधर गांव में लोग जो है ना चरा रहे हैं गाय बकरियाँ। तो ये देखिए अभी घर वापस आ गए हैं कॉलेज की तरफ से, और जो हम लोगों की वीडियो शूट थी जिनका कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस करना था वो तो आए नहीं, उनको आने में डिले है तो वापस घर लौट गए हैं। और जाते वक्त अनुज को बोले थे कि उधर से आएंगे तब कार में चढ़ाएंगे, तो अभी यहाँ आए हैं, कार यहाँ लगाने जा रहे हैं पार्किंग में। तो ये बोल रहा है कि कार में हमको घुमाइए। किधर जाएगा घूमने? हाँ, जाएगा। मिनो खोल दो, चढ़ेगा, थोड़ा सा घुमा लाते हैं। अच्छा, पार्क करते हुए ना, जाओ उधर से, उधर से चढ़ो, ये इधर बैठो 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 बैठो, देखते हैं बच्चा लोग का। किधर जाएगा घूमने? हाँ, जिधर हम लोग गए थे उधर तो बहुत दूर है रे, उतना दूर तो नहीं जाएंगे। कहाँ पर घुमाएंगे? आगे में उधर देखिए बाइक लगा हुआ है, तो कहाँ इधर में, इधर देखिए इन लोग चंदा मांग रहा है, तो उधर जाएंगे तो चंदा मांगेगा। उधर वापस? अच्छा चलो चलते हैं, थोड़ा सा घुमा आते हैं इसको। मजा आ रहा है? हैं? आ रहा है? मम्मी को बोलो, बोलो बाय बाय कर दो मम्मी को। बाय बाय कर दिया? कर दिया। मजा आ रहा है? हैं? पापा को घुमाने नहीं बोलता है? पापा नहीं घुमा दे रहे।
क्या बोलते हैं? नहीं घुमाएंगे। नहीं घुमाएंगे। क्या बोलते हैं? नहीं घुमाएंगे। नहीं। अरे बदमाश है क्या? हैं? हाँ। बदमाश है ना? तुमको ज्यादा कौन चढ़ाता है कार में? अभी। अच्छा, तो कभी तुम कुछ खर्च वर्च नहीं करता है? नहीं। अब इतना ही जाएंगे, अब घुमा ले। हाँ। देखिए यहाँ से उधर डाउन है, यहीं से घुमा लेते हैं। कार चलाना सीखेगा? हाँ, सक जाएगा चलाने? अच्छा, यहाँ पर बैठेगा? हाँ। अच्छा, तुम बड़ा होगा ना तब चलाना, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं छोटा से नहीं चलाना है। और ये हमारे गांव का थाना है, हमारे घर के पास में ही थाना है। अभी मम्मी को बाय कर देना, ठीक है? हैं? चलो बाय कर दो मम्मी को। बाय मम्मी, बाय। देखिए वापस आ गए हम लोग। थोड़ा सा एक बार रिवर्स लेना पड़ेगा बस। हाँ, उससे लाइट जलता है। चलो उतरने सकेगा? हैं? इंजन बंद, तुमको कार में छोड़ दे? हैं? कितना देर रहेगा कार में? आ उतरो। मजा आया? हैं? ठीक, अब कहाँ जा रहा है? मम्मी पास जा रहा है, जाओ। तो ये देखिए 100 कार को यहाँ पार्क किए हैं, इतनी सी स्पेस बची है। कार को लॉक कर देते हैं। शाम का 5 बज चुका है और मेघू कार लेके आ गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं नया मोड़ उज्जू, कुछ काम है। एक कार में 5 लोग आज बैठे हैं, देखिए। और आज मालिक जी पीछे बैठ गए जी। हैं? ठीक है। नहीं ठीक कैसे रहेगा? मालिक को आगे बैठना था। ओहो, डॉक्टर साहब आज चला रहे हैं। अच्छा, गाड़ी का खाली फील लेते रहते हैं, कौन सा गाड़ी कैसा चलाने में लगता है। अच्छा, हम लोग जैसा फिजिक आदमी लोग 3 आदमी बैठ जाते हैं इजिली। तो हैं? हाँ। खाली मेघू ही थोड़ा सा मोटा ताजा है, हम लोग तो कोई नहीं। हम की वजह से नहीं है, एकदम नहीं है क्या? पर भी क्या लग रहा है, कोई मोटा रहा था तो 3 आदमी एडजस्ट आराम से। हाँ, हम लोग तो आराम से। देखिए हम लोग का शोल्डर टकरा नहीं रहा है ना, मेन ही टकराता है जब स्पेस नहीं रहता है ऐसे ही से। और हम भी कोनो उधर थोड़ी बैठे हैं, अभी है जगह का, मतलब 3 आदमी कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। अल्ट्रोज में तब तो स्पेस है यार, हम लोग रियल लाइफ टेस्ट कर दिए क्या, थोड़ा हेवीली शरीर रहता है ना तब दिक्कत आता नहीं आएगा। काहे कि मैक्सिमम जो कार रिव्यूअर लोग को देखते हैं ना, बोलता है कि 2 एडल्ट और 1 बच्चा बैठ सकता है, हम लोग तो 3 एडल्ट बैठे हैं क्या। बोलना चाहिए 2 हेल्दी और 1 बच्चा। हाँ, 2 हेल्दी और 1 बच्चा बोलना चाहिए, गलत बोलता है ना।
एक्चुअली में हम लोग कुजू इसलिए आए थे क्योंकि मेघू को जूते लेने थे, क्योंकि उसे एक दो दिनों में कोलकाता जाना है, उसकी इंटरव्यू होने वाली है, उसी के चलते तो हम लोग आनंद फानन में नोएडा से लौट आए थे। साथ ही साथ उसके घर में उसके एक चचेरे भाई की डेथ हो गई थी, एक दो दिनों में वो कोलकाता निकलेगा, तो उसके लिए उसे एक पेयर जूते की ज़रूरत थी। तो बहुत नाम सुने हैं यहाँ कुजू में, एक नए जूते की दुकान खुली है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे जूते और अच्छे रेट में मिल जाते हैं, ये लोगों का कहना था। तो हम लोग भी सोचे कि चलो आज ट्राई कर ही लेते हैं दुकान में किस तरह के जूते अवेलेबल होते हैं, जो मीडियम रेंज के ब्रांड्स होते हैं ना, कैंपस, स्पार्स वगैरह। लेकिन जूते हमें पसंद तो नहीं आए और अभी हम लोग वापस घर के लिए निकले हैं। यहाँ पर कार देखिए खड़ी है और यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, तो ठंड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग चाय पी लेते हैं। कहीं पर आग मिल जाता हाथ सेकने के लिए तो मज़ा ही आ जाता, आग का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ चाय पी लेते हैं और निकलते हैं सीधा घर। बाजा बंद कर दिया कॉपीराइट के चलते। 24 लिखा हुआ आ रहा है, वो क्या चीज है? ऊपर में भी तो इतना नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, इतना ठंड 24 नंबर गाना बज रहा है। नहीं नहीं, वहाँ डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, मतलब वो टेम्परेचर ही है, लेकिन ये फॉल्स बता रहा है, लेकिन पक्का अभी कितना भी होगा। आप शर्ट खोल देते हैं, 18 से ज्यादा ना, 15-20 के बीच। अच्छा, जो दिखा रहा है वही दिखा रहा है। फाइनली घर वापस आ गए हैं, जिस काम से गए थे वो तो हुआ नहीं, क्या करेंगे, मिला नहीं जूता तो। अरे आदमी लोग बोला था कि मतलब जिस हिसाब से मिलता है, अच्छा मिलता बोला है। बड़ा बड़ा शोरूम बताया था, तो उसका हिसाब से गए, लेकिन पसंद नहीं आया। लास्ट उपाय है कि अभी ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। अभी तुमको कोलकाता जाना है 29-30 को ना, तो ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो आ जाना चाहिए ना, आ जाएगा। और नहीं तो बिहार में अच्छे अच्छे ब्रांड के दुकान हैं, बोकारो मॉल, बोकारो मॉल ना, बोकारो मॉल। देखिए सरस्वती पूजा वाला लोग हम लोग को भी पसंद नहीं आया, पैसा लगे तो लगे, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, या तो फिर कोलकाता जाना ही है तो ऑन द वे रास्ते में ही कहीं ले लेंगे कोई शोरूम में रुक के, क्या। तो फाइनली घर आ गए हैं, तो इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।